देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार दशहरे को मध्य प्रदेश के जबलपुर में धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ बीते 71 सालों से पंजाबी हिंदू एसोसिएशन दशहरा पर्व में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन करती आ रही है। वहीं इससे भी ज़्यादा सालों से एक मुस्लिम परिवार इन पुतलों को बनाने का काम करता आ रहा है। जबलपुर के मक्का नगर आधार ताल के रहने वाले इफ्तिखार आलम और उनका परिवार यहां हर साल कौमी एकता की मिसाल पेश करता है। जबलपुर में पंजाबी हिंदू एसोसिएशन ग्वारी घाट में आयोजित पंजाबी दशहरा हो या फिर शिवाजी मैदान का दशहरा या फिर आधार ताल, गोविंदगंज और कांच घर का दशहरा, हर जगह जलने वाले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को इफ्तिखार आलम और उनके परिवार के सदस्य ही तैयार करते हैं। इफ्तिखार आलम बताते हैं कि उनके दादाजी हाजी शेख आलम ने 80 साल पहले रावण और कुंभकर्ण के पुतलों में आतिशबाजी के लिए पटाखे भरने का काम शुरू किया था। फिर उनके वालिद मरहूम इसराइल आलम ने रावण और कुंभकर्ण के पुतले बनाने की शुरुआत 72 साल पहले की थी। इसके बाद से लगातार वो इस परंपरा को आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। इफ्तिखार कहते हैं, शुरू में लगता था कि यह हमारा कारोबार है, लेकिन हमें खुशी इसलिए होती है कि हम इस पवित्र पर्व में शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे साथ हमारी चौथी पीढ़ी भी यह काम कर रही है। पंजाबी हिंदू एसोसिएशन के लिए वे पिछले 71 साल से पुतले बनाने का काम कर रहे हैं। वे 75 फुट के रावण और कुंभकर्ण के पुतले बना रहे हैं, जिसका काम पिछले 22 से 25 दिन से चल रहा है और अब अंतिम दौर में है। 75 फीट ऊंचे पुतले बनाने में उनकी टीम के 15 से 16 लोग काम कर रहे हैं, जो कि दिन रात मेहनत करके इन पुतलों का निर्माण करते हैं। पुतला निर्माण करने के लिए बांस, साड़ी, पेपर, गोंद, वॉलपेपर और आतिशबाजी के लिए पुतले के अंदर रंग बिरंगे पटाखे लगाए जाते हैं। टीम में उनके परिवार के लोग भी रहते हैं, जो बिना पैसे के काम करते हैं। ग्वारीघाट के अलावा शिवाजी मैदान, कांचघर, रांची सदर सहित शहर के एक दर्जन से भी ज़्यादा जगहों पर दशहरा पर जलाए जाने वाले 45 फीट से लेकर 75 फीट तक के रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले बनाए जाते हैं। इफ्तिखार आलम कहते हैं, हम यह पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने बुजुर्गों की परंपरा को निभाने के लिए काम करते हैं और यह करते हुए हमें सुकून भी मिलता है। इफ्तिखार आलम बताते हैं कि पुतले बनाने का काम भी सिर्फ परंपरा निभाने के लिए कर रहे हैं, जबकि उनका पेशा स्टील फर्नीचर और एसी का है, जिसका वह अपने परिवार वालों के साथ व्यापार करते हैं और महीने में अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। उन्हें यह काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी परिवार की परंपरा को निभाने के लिए वे पिछले कई सालों से यह काम करते चले आ रहे हैं। इफ्तिखार आलम के साथ बड़े बड़े पुतले के निर्माण में अदनान आलम, मोहम्मद आलम, मुजीब आलम, आयशा, गुलनार, अश्मीरा और फातिमा के साथ करीब 15 लोगों की टीम उनका सहयोग करती है। आलम से जब ये पूछा गया कि वह हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रम के लिए काम क्यों करते हैं, तो उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से अपने जवाब में कहा, यह हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। दशहरा बुराई का प्रतीक है और बुराई को हिंदू मुस्लिम मिलकर ही मिटा सकते हैं। इफ्तिखार आलम ने कहा कि अगर यही बात नफरत फैलाने वालों के भी समझ में आ जाए, तो समाज में सिर्फ प्रेम ही प्रेम होगा, नफरत की कोई जगह नहीं होगी। हिंदुस्तान का हर एक नफरती अगर आलम की छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी बात से थोड़ी भी सीख ले ले, तो भारत की इस बगिया में नफरतें नहीं, सिर्फ अमन के फूल खिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।